आपके पास Redmi Note 13 है, 13 Pro है, 13 Pro Plus है, तो उसके अंदर कैमरा फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो? यानी कि जब भी आप कैमरा पे जाते हो तो ऐसे आपकी ब्लरिंग या फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है नाइट के थ्रू में। यानी कि अगर आप जितना अंधेरा करोगे उतना आपका फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो उसको कैसे आपको ठीक करना है, तो करने के लिए सिंपली इस पर आप टाइप करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसको आपको जाके 50 पे कर लेना होता है। 50 पे करेंगे तो यहाँ पे आपका फ्लिकरिंग बंद हो जाता है। अब 50 और 60 का मतलब क्या होता है कि ये आपका, अगर आप दिन के टाइम फोटो लेते हैं तो ये आपका काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आप 60 पे रख के क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जितनी लाइट होगी उतनी अच्छी आपकी फ़ोटो आएगी। बाकी अगर आप इस पे ऑटो पे रखते हैं तो ऑटो पे क्या होता है कि डे हो या नाइट हो वो अपने में ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेता है। बट यहाँ पे ऑटो पे भी करने पे यहाँ पे आपका फ्लिकरिंग के प्रॉब्लम देखने को मिल जा रही है। तो फ्लिकरिंग बंद करना है तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, उस टाइम के लिए आपको ऑफ़ कर देना होता है। ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पर आपको फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम हट जाती है एकदम। बाकी यहाँ पे आपको देखना है कि दिन के टाइम फ़ोटो क्लिक करें या रात के टाइम। रात के टाइम करेंगे तभी आपकी फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम आ गई, डे के टाइम नहीं आती है। अगर डे के टाइम पिक कोई भी क्लिक कर रहे हो तो आपको इस पर कर लेना होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।